दो चार दिन पहले मेला जब लगा हुआ था भाई, एक भी कार नहीं थी, और अब देखो भाई भर गया है। जून या जुलाई में सीजन होता है ना नैनीताल शहर में, वैसा आज का माहौल हो रहा है। बोट स्टैंड वाला एरिया तो भाई बिल्कुल ही भयानक जमावड़ा लोगों का दिख रहा है। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो 2 अक्टूबर की छुट्टी की वजह से नैनीताल शहर में बंपर भीड़ हो रखी है। फिलहाल अभी मैं बीडी पांडे हॉस्पिटल के पास हूँ भाई, गाड़ियों की इतनी लंबी लंबी कतारें दिख रही है। अभी लेक साइड जाएंगे, वहाँ अलग ही रौनक हो रही है। तो कैसा माहौल है आज शहर का देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नैनीताल शहर का इकलौता शहतूत का पेड़ ये रहा, यहाँ पर खाए। आज तो भाई हर जगह टूरिस्ट टूरिस्ट ही दिख रहे हैं लोग, पता नहीं इतनी संख्या में नैनीताल शहर में आज आए हुए हैं ना भाई, गजब ही भीड़ हो रखी है। ग्रुप्स के ग्रुप्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चे अच्छे आ रहे हैं ग्रुप्स यहाँ अलग। भाई यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है फिलहाल भी। एक तो आजकल VIP मूवमेंट नैनीताल शहर में बहुत ज़्यादा हो रखा है, जजा जाए मैंने बड़े बड़े, इसके वजह से भी थोड़ा ट्रैफिक हो जा रहा है। बाकी क्या टूरिस्ट हैं उसके चक्कर में भी भाई गजब भीड़ हो रही है। देखो भीड़ में अमूमन होता क्या है ना, लोग बेतुकी गाड़ियाँ खड़ी करके चले आते हैं, ऐसे फोर व्हीलर खड़ी कर दी और सीधे यहाँ पर को जैमर लगा हुआ है, इसके दिख रहा है मुझे जैमर, तो इसके जैमर लगा हुआ है। अब ये आज क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन जाएगा और वहीं से गाड़ी छुड़ाएगा। तो ऐसे मॉल रोड में ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ हो सकती है जिनके जैमर लगे हों। वही टेम्परेचर की भी बात करें ना, फिलहाल अच्छा मौसम हो रहा है, 15-16 डिग्री के आसपास इस वक्त दिन में है, लेकिन वही शाम को ठंडा हो जा रहा है यार। तो दिन में तो क्या टी शर्ट में घूम लो, लेकिन शाम को भाई जैकेट ही चाहिए या स्वेटर ही चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जून या जुलाई में सीजन होता है ना नैनीताल शहर में, वैसा आज का माहौल हो रहा है। ये 2-3 दिन में अचानक से बहुत ज़्यादा जो भीड़ हो गई है, तो जून जुलाई में इसी टाइप का माहौल रहता है। हर तरफ भीड़ भीड़, रेस्टोरेंट फुल रहते हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ शहर के अंदर, लोग ही लोग हर तरफ दिखे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं लेक साइड की तरफ को, वहाँ अलग ही भीड़ हो रही होगी। नैनीताल शहर में ना 20 तारीख से दुर्गाष्टमी का मेला भी लगेगा, लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो झूले नंदा देवी वाला जो फेस्टिवल हुआ था, तो जो झूले हटाए ही नहीं गए, तो आज थोड़ी बहुत भीड़ थी। तो अभी थोड़ी देर पहले झूले वूले थोड़ी देर पहले क्या चल ही रहे हैं, मैं नगर पालिका के पास आ गए हूँ, यहाँ देख रहे भाई झूले चल रहे हैं। आज भीड़ के वजह से शायद ऐसा हो सकता है झूले वूले जितने हैं सभी चला दिए होंगे, क्योंकि ठीक है जो झूले वाले नहीं तो ऐसे ही 15-20 दिन ऐसे ही पड़े रहते, इससे अच्छे इन्होंने शायद चला दिए, ये अच्छा करा इन्होंने। DSA फ्लैट्स ग्राउंड और ये झूले चलते हुए खैर अच्छा ही लग रहा है। बाकी फुटबॉल टूर्नामेंट दोबारा से शुरू हो गया है, क्योंकि स्पेस खाली हो गई है, नहीं तो भाई पूरा ही देखा था ना, पूरा भरा पड़ा था उधर। कार आर भी जो है DSA फ्लैट्स के बगल में जो कार पार्किंग है उसमें भी कार आरें खड़ी हुई, उधर को भी चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर को बास्केटबॉल मैच चल रहा है, बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो होता है गर्ल्स एंड बॉयज़, अभी तो फिलहाल बॉयज़ का चल रहा है, कल मैं देख रहा था कल लड़कियों वाला टूर्नामेंट चल रहा था। तो पंथ पार्क के पास आ गया हूँ। फिलहाल अगर मौसम एग्जैक्ट बात करें ना यार, हल्का हल्का ठंडा महसूस होने लग गया है, बट ये है कि बड़ा ही प्लीजेंट सा अभी हो रहा है खैर दिन दिन में। बाकी क्या है कि पंथ पार्क वाला एरिया तो इसमें यहाँ पर को अंदर को भीड़ नहीं है, लेकिन फुटपाथ वाला एरिया भाई लोग गजब दिख रहे हैं आज। अभी कुछ शॉप्स ओपन हो गई हैं, चाया है कि बाकी क्या है कि 4 बजे से दुकानें लगती हैं वैसे तो, अभी जैसे ही दुकानें लगेंगी तो और ज़्यादा रौनक हो जाएगी। बाकी साफ़ सफाई भी चल ही रही है, नैनीताल शहर वैसे साफ़ सफाई में भाई अव्वल ही कहा जाएगा यार, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कि बहुत ही मतलब एक्सट्रीम साफ़ रहता है, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई बहुत अच्छी मिलेगी आपको नैनीताल शहर में। बाकी भाई देखो लो ये एरिया नहीं तो अभी दुकानें लगी नहीं है, तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। अभी 3-4 घंटे बाद शाम को 4 बजे से तब दुकानें लग जाएंगी, तो और ज़्यादा भीड़ इस एरिया में हो जाएगी, वही दुकानें लगने के बाद और ज़्यादा रौनक हो जाती है ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं लेक साइड की तरफ को। बोट स्टैंड वाला एरिया तो भाई बिल्कुल ही भयानक जमावड़ा लोगों का दिख रहा है, और ये एज यूजुअल मुझसे भी बोटिंग के लिए पूछ ले रहे हैं, ये खैर होता रहता है यार। और मैं रेगुलर यहाँ पर आता हूँ और लोकल लाइट हूँ, उसके बाद भी ऐसा होता है ना, कभी कभी अजीब सा लगता है यार, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट दे मेक मी फील लाइक टूरिस्ट। ठीक है, देखो सामने कितनी प्यारी सी लग रही है बोट, ये सेलिंग जेटी, इस पे भी बैठा जा सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल क्या है कि ये बोट हाउस क्लब वाली बोट्स हैं, नहीं तो अलग से भी एक है सेलिंग जेटी का, उसका 500 रुपये करीब किराया होता है, इसका तो क्या है कि 320 रुपये और 420 रुपये करीब है, 320 रुपये हाफ राउंड, 420 रुपये फुल राउंड ऐसा होता है ये वाली रोइंग वाली बोट्स का। बाकी पैडल बोट्स भी होती हैं, उसका भी घंटे का हिसाब से होता है उसमें, लेकिन ये है कि 2-सीटर होती है तो वो 320 रुपये होती है, और 4-सीटर होती है तो वो 420 रुपये होती है, लेकिन एक एक घंटे के लिए मिलती है। बाकी एक घंटे में काफ़ी होता है यार, पूरा आप लेक घूम सकते हो पैडल बोट में। इसमें क्या है कि भाई ये अपने हिसाब से जल्दी जल्दी मतलब घुमा देते हैं। बोट स्टैंड में अलग ही रौनक हो रखी है। बाकी क्या है ना, देखो मल्लीताल वाला एरिया है और मेन बोट स्टैंड है यहाँ का, तो यहाँ पर तो क्या है रौनक होना बनता ही है।
प्राइम लोकेशन लगभग मल्लीताल में ही है, सारी चीज़ें ही लोग यहीं पर कोई आ जाते हैं और यहीं से अच्छे होटल्स भी, मतलब मल्लीताल वैसे हैं तो मल्लीताल तल्लीताल दोनों ही अच्छे होटल्स, बट ये कि लोग प्रेफर इसी एरिया में आना ज़्यादा करते हैं क्योंकि मंदिर भी माँ नैना देवी टेम्पल यहीं है। अभी हम मंदिर की तरफ को जाएंगे, वहाँ भी आज मैं दर्शन करवा देता हूँ आपको माँ नैना देवी के। बाकी भीड़ भाड़ तो खैर अच्छी हो रही है शहर में आज, और ये देखकर अच्छा भी लग रहा है। जैसी भीड़ हो रही है ना, इस भीड़ को देखते हुए भाई आज झूले वूले चला दिए गए, खैर ठीक ही हुआ, इधर को चलती हैं, वैसे मेला खत्म हो चुका है लेकिन आज झूले भीड़ को देखते हुए चला दिए, ठीक ही है, खैर अच्छा ही है। चलो इस एरिए की तरफ को हम चलते हैं, फिर इसके बाद हम ऐसा करेंगे टेम्पल चलेंगे, दर्शन भी कर लेंगे। बाकी सामने जो पहाड़ दिख रहा है ये है नैना पे, यहाँ का बहुत ही अद्भुत पहाड़ है यार ये, यहाँ पर लोग जाते हैं, मैं भी गया हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो जाकर देख लो कैसे वहाँ तक पहुँचा जाता है, अद्भुत नैनीताल दिखता है भाई वहाँ से। ज़रूर एक बार आप नैनीताल आते हो ना, अगर ट्रैकिंग का शौक है तो वो सामने पहाड़ पर सबसे बड़ी ऊंची चोटी दिख रही है ना, वो वहाँ पर को वहाँ पर ज़रूर जाना, मज़ा आता है यार खूब। बाकी झूले वूले चल ही रहे हैं, बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन उस टाइप की भीड़ है नहीं, झूलों को देखकर ऐसा लगता है जाएँ और बस तुरंत भाई झूलाला झूलने लग जाएँ, लेकिन ओए अभी गिर गया था मैं, तो हम ऐसा अभी नहीं जा रहे हैं झूलाला झूलने, हम जा रहे हैं मंदिर ऐसा दर्शन करते हैं। आ गए हैं हम माँ नैना देवी टेम्पल, तो अंदर चलते हैं। बाकी श्रद्धालुओं की भीड़ आज काफ़ी है भाई, ये भी प्रसिद्ध मंदिर है माँ नैना देवी, तो थोड़ा सा इधर उधर होकर निकलना पड़ेगा, चलो निकल जाओ। तो 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ नैनीताल का माँ नैना देवी टेम्पल भी माना जाता है, तो नैनीताल जब भी आते हैं लोग यहाँ पर स्पेशली दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो ये रहा मुख्य मंदिर माँ नैना देवी का, तो अंदर जाकर चलते हैं दर्शन करते हैं, लेकिन अंदर मूर्ति के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि भाई अंदर दर्शन करने नहीं देते हैं और कैमरा वैमरा भी अंदर नहीं ले आने देते हैं उधर को, तो हम लोग ऐसे बार बार से दर्शन कर लेंगे। मंदिर के अंदर की वाइब्स ही खैर अद्भुत है, ठीक मेरे पीछे टेम्पल है। बाकी क्या है कि यहाँ पर और भी साथ साथ बहुत से मंदिर हैं, चाहे वो शिव मंदिर हो और भी, मतलब जितने ही भगवान देवी देवता के लगभग सारे ही मंदिर हैं। बाकी अंदर क्या है, मूर्ति निर्माण चल रहा है जो दुर्गाष्टमी आने वाली है, आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा जो होती है तो उसके लिए माता दुर्गा की मूर्ति बनाई जा रही है, तो वो अंदर यहाँ पर बन रही है, वो एकदम छुपा के बनाते हैं, तो क्या ठीक ही है यहाँ पर, खैर अच्छा लग रहा है यार। जय हो माँ नैना देवी। तो अंदर जाकर तो यार मैं माफ़ी चाहूँगा, फ़ोटो वोटो तो नहीं खिंचा पाऊँगा, बाकी लोग फ़ोटो बना ले रहे हैं, लेकिन जो लिखा गया है बाहर से कि अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी मना है, तो हम लोग यहीं से दर्शन कर लेते हैं। बाकी श्रद्धालुओं की भीड़ दिख ही रही है, लोग वेट कर रहे हैं अंदर मैया के दर्शन करने के लिए, भगवान शिव और पीछे नैनीताल, तो बहुत बार मैंने देखा है काफ़ी लोग मतलब ये फ़ोटो लगाते भी हैं। दर्शन करके आ गए हैं, बाकी ये पूरा ही ये जो एरिया है ना, ये पूरा ही चाट पार्क वाला एरिया कहलाता है। यहाँ पर अगर आप लोगों को ना नैनीताल में फास्ट फूड एंड ऑल इन्जॉय करना है, लाइक यहाँ की कुछ स्पेशलिटी है, थुप्पा एंड ऑल खाना चाहते हो तो बिदिन फूड टाइप है, या मोमोज खाना चाहते हो तो मंदिर के ठीक बगल में ही यहाँ पर को पूरी लाइन है, तो यहाँ आकर एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेना, थोड़ा कुछ यूनिक तो लगेगा ही। नैनीताल वैसे ही भाई मोमोज के लिए थोड़ा सा फेमस है, तो मोमोज अगर हर जगह है यार, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं फेमस होती हैं, तो अगर आते हो तो यहाँ भी आके ट्राई कर सकते हो मोमोज एंड ऑल। ये रहा पार्किंग वाला एरिया, तो यहाँ पर को अभी 2-4 दिन पहले मेला जब लगा हुआ था भाई, एक भी कार नहीं थी, और अब देखो भाई भर गया है। DSA फ्लैट्स के ठीक बगल में ये एक तरीके से मेन पार्किंग वाला एरिया ही है, यहाँ पर जब पार्किंग फुल हो जाती है इसके बाद जो अल्टरनेट पार्किंग है, चाहे वो मेट्रोपोल वाली पार्किंग हो या आइट साइड और भी बहुत सी पार्किंग है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ भेज दी जाती हैं, लेकिन ये भी भाई सफिशिएंट पार्किंग है, बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना ज़रूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक लेता रहा शुम।